18वीं शताब्दी का भारत, जहां महिलाओं और निम्न जाति के लोगों को पढ़ने का धार्मिक और सामाजिक अधिकार नहीं था, ऐसे में अंग्रेज सरकार ने बड़े पैमाने पर इन वर्गों के लिए मिशनरी स्कूल खोले, जहां जाकर हर जाति वर्ग का व्यक्ति ज्ञानार्जन कर सकता था। इस दिशा में लॉर्ड विलियम बेंटिक का योगदान सर्वोपरि है। राजा राममोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और ज्योतिबा फुले जैसे कर्मठ व्यक्ति इन वर्गों के लिए देवदूत बनकर आए। सावित्रीबाई फुले ने स्त्रियों को पुरुषों की दासता से मुक्ति दिलाने का काम किया। उनका मानना था कि पुरुष से पृथक हर औरत का एक निजी व्यक्तित्व और वजूद होता है, जिसे उससे कोई नहीं छीन सकता। भारत के रूढ़िवादी समाज में पुरुष महिलाओं के सहयोगी नहीं हैं, बल्कि वे उनकी स्वतंत्रता की राह में बाधा हैं। दोस्तों, आज हम भारत की एक ऐसी महिला की बात करने जा रहे हैं, जिसने पुरुष समाज द्वारा पहनाई गई बेड़ियों को तोड़कर देश की प्रत्येक महिला को खुले आसमान में उड़ान भरने का हौसला दिया था। जी हाँ, आज हम रास सुंदरी देवी के जीवन पर चर्चा करेंगे, जिन्होंने विषम परिस्थितियों में रहकर भी अपने हौसले को कभी टूटने नहीं दिया। रस सुंदरी देवी का जन्म पूर्वी बंगाल के पवना जिले के पोटाजिया गांव में 1809 ईस्वी में हुआ था। जब रास सुंदरी महज 4 वर्ष की छोटी बच्ची थी, तभी उनके पिता पद्मलोचन रॉय का निधन हो गया। उनका लालन पालन उनकी माँ ने किया। रस सुंदरी देवी को बचपन से ही पढ़ने लिखने का बेहद शौक था, पर उस समय लड़कियों को औपचारिक स्कूली शिक्षा नहीं दी जाती थी। अभिभावकों का मानना था कि लड़कियों को पढ़ाने से उनका चारित्रिक पतन होगा और पुरुषों के प्रति उनका रवैया बदल जाएगा। जैसा कि उस समय हर लड़की के साथ होता था, रस सुंदरी के साथ भी वैसा ही हुआ। 12 साल की उम्र में उनकी शादी फरीदपुर जिले के रामदिया गांव में राजबाड़ी के सीतानाथ सरकार से हुई। 13 वर्ष की उम्र में रस सुंदरी देवी ने एक बच्चे को जन्म दिया। इससे उनकी मुश्किलें अब और ज्यादा बढ़ गईं। उनमें पढ़ने लिखने की ललक अब भी बरकरार थी। रस सुंदरी जहाँ रहती थी, वहीं पास में एक महिला लड़कों के लिए मिशनरी स्कूल संचालित करती थी। वहीं से आने वाली आवाज़ों को सुन सुनकर रस सुंदरी ने कई अक्षरों को जोड़कर लिखना सीख लिया था। वे अपनी रसोई की खिड़की के पास खड़ी होकर बांग्ला भाषा का व्याकरण स्कूल से आने वाली आवाज़ों से सीख गईं। रस सुंदरी वैष्णव संप्रदाय में विश्वास रखती थी। उन्होंने अपने पिता को तो कभी देखा नहीं था, लेकिन उनका विश्वास था कि दया माधव भगवान विष्णु हर विपत्ति में उनके पिता की तरह उनकी मदद करते हैं और उनके हौसले को कभी टूटने नहीं देते हैं। उन्होंने रात में मोमबत्तियों की टिमटिमाती रोशनी में पढ़ने लिखने और अपने लेखन कौशल को सुधारने का काम किया। इसके लिए वे अपने पति के सोने का इंतजार करती रहती थी। इस दौरान रस सुंदरी ने 12 बच्चों को जन्म दिया, जिनमें से 7 बच्चों की जल्द ही मौत हो गई। उन्हें अपनी पति की तरफ से लिखने और पढ़ने में कोई मदद नहीं मिली। उन्होंने जो कुछ भी लिखा, वह छुप छुप कर ही लिखा। 1868 ईस्वी में उनके पति सीतानाथ सरकार की मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु के बाद रस सुंदरी देवी ने पूर्ण रूप से मुखर होकर अपना लेखन कार्य शुरू किया। साथ ही अपनी समस्त जीवित संतानों को पढ़ाने लिखने की जिम्मेदारी भी निभाई। उनके बेटे किशोरीलाल सरकार कलकत्ता उच्च न्यायालय में वरिष्ठ वकील बने, जिन्होंने कानूनी मुद्दों पर अनेक किताबें लिखी। 1876 ईस्वी में रस सुंदरी देवी की आत्मकथा ओमार जीवन अर्थात माई लाइफ प्रकाशित हुई। यह किताब 2 भागों में है, जिनमें से पहले भाग में 16 छोटी छोटी रचनाएं शामिल हैं। इन रचनाओं के माध्यम से रस सुंदरी ने अपनी आत्मकथा को बयां किया। इस तरह से उन्हें आधुनिक बंगाली साहित्य में पहली पूर्ण आत्मकथा लिखने वाली लेखिका के रूप में पहचाना जाता है। वह बंगाली साहित्य की प्रारंभिक महिला लेखिकाओं में से एक हैं। 1899 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई।
1906 ईस्वी में उनकी आत्मकथा के दूसरे भाग का प्रकाशन हुआ। इस भाग में 15 छोटी रचनाएं थीं। प्रत्येक रचना के पहले एक समर्पित कविता भी लिखी गई थी। प्रख्यात लेखक दिनेश चंद्र सेन अपनी पुस्तक बंग साहित्य के भाग दो में लिखते हैं कि रससुंदरी देवी के गद्य बीते युग की सरल गद्य रचनाओं के प्रतीक हैं। रससुंदरी देवी आत्मकथा लिखने वाली पहली भारतीय और बंगाली महिला थी। उनसे प्रेरणा लेकर तमाम भारतीय महिलाओं ने अपनी गुलामी की जंजीरों को तोड़कर अपने वजूद को तलाशना शुरू कर दिया था। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए आप हमसे जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ।